वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा किसान सभा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से आज यहाँ जो हड़ताल करके आए हैं तमाम मजदूर और कर्मचारी, और उधर से किसान जो आज दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, उस मौके के ऊपर हम दो बात जरूर कहना चाहते हैं। एक तो ये कि जो सरकार का आचरण है, केंद्र और राज्य सरकार का, वो आचरण घोर निंदनीय और राष्ट्र विरोधी। आप देखिए कि अपने ही देश की राजधानी में किसान नहीं जा सकता, और उसको रोकने के लिए न केवल बॉर्डर सील कर दिए, बल्कि कभी आपने ये भी सुना है कि 10-10 फुट गहरे खड्डे खोद दिए जीटी रोड के ऊपर, ताकि वो आगे ना जा सके अपनी बात कहने के लिए। और ये भी उस दिन हो रहा है काम जिस दिन संविधान दिवस है, और संविधान दिवस के ऊपर आप किसानों की गिरफ्तारियां कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं सक्रिय कार्यकर्ताओं को। ये बहुत ही महंगा पड़ेगा। और हमने कल भी कहा था कि वास्तव में ये भाजपा सरकार के कफन में आखिरी कील का काम करेगा, जो इस प्रकार का क्रियाकलाप इन्होंने किया है। और अभी भी इनके लिए अगर ये चेता आ जाए तो तीनों खाड़े कानूनों को वापस लें, श्रम कानूनों में जो बदलाव किए गए हैं उनको ठीक करें, और ये जो गिरफ्तार लोग हैं उनको रिहा किया जाए और दिल्ली में जाने दिया जाए सभी। आप दिल्ली की तरफ कूच करोगे क्या ये अपना क्या? हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, लेकिन ये कार्यक्रम आज हड़ताल का तो इधर ही प्रदर्शन करने का है। हमारे साथी तो पहले ही इकट्ठे होने लग रहे हैं सांपला की तरफ, इधर ही इकट्ठे हो रहे हैं मदीना के आसपास, और बाकी अलग अलग सड़कों के ऊपर चल पड़े हैं किसान। चलो ठीक है, धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।